नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं YouTube चैनल के मोनेटाइजेशन के बारे में। दोस्तों, काफ़ी लोगों को डर रहता है जब दोस्तों उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो दोस्तों उनको काफ़ी डर रहता है कि वो अपनी वीडियो का अगर मोनेटाइजेशन ऑन कर देंगे तो उनका दोस्तों वो गूगल अकाउंट जो होता है एडसेंस अकाउंट, वो दोस्तों डिसेबल हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, जो लोगों को पता नहीं होता और वो दोस्तों डरते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको अपनी वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और दोस्तों कब करना चाहिए, और दोस्तों एडसेंस अकाउंट जो होता है वो कब डिसेबल होता है, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो दोस्तों पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे दोस्तों आपसे कोई मिस्टेक ना हो और आपका यूट्यूब चैनल परमानेंटली वर्क कर सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि काफ़ी यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पर उन्होंने जो वीडियो बनाई है, अगर आप अपनी वीडियो का जो मोनेटाइजेशन होता है उसे अगर ऑन कर देते हो तो दोस्तों आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो CTR होता है वो हाई हो जाता है, तो हमारा जो एडसेंस अकाउंट है वो दोस्तों डिसेबल हो सकता है। दोस्तों ऐसा ज़्यादा केसेस में नहीं होता, ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे आपका गूगल जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल होने से बच जाए, क्योंकि दोस्तों अगर एक बार हमारा गूगल अकाउंट जो होता है एडसेंस अकाउंट, अगर वो एक बार डिसेबल हो गया, परमानेंटली डिसेबल हो गया दोस्तों, तो आपका जो यूट्यूब चैनल है वो फिर किसी काम का ही रहेगा, आप उससे एक भी पैसा अर्निंग नहीं कर सकते। दोस्तों आपको गलती ये नहीं करनी है कि दोस्तों आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग होते हैं वो क्या गलती करते हैं कि अपने मोबाइल से ही अपनी वीडियो को प्ले कर लेते हैं, ऐड देखते हैं उन पर ऐड आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों काफ़ी कंडीशन में क्या होता है कि वो अपने मोबाइल से ही दूसरी ID बनाते हैं YouTube की, दूसरी ID से अपने YouTube अकाउंट ओपन करते हैं और दोस्तों उससे देखते हैं अपने चैनल पर अपनी वीडियो पर कि उस पर ऐड आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों उससे क्या होता है कि हमारा जो फ़ोन का IP एड्रेस होता है वो दोस्तों YouTube के पास जाता है, उससे दोस्तों उसे पता लग जाता है कि आप खुद अपनी वीडियो देख रहे हो। तो ऐसा करने से दोस्तों हमारा जो CTR है वो हाई हो जाता है, वो 10% तो ऊपर निकल जाता है। तो दोस्तों उस केसेस में हमारा जो एडसेंस अकाउंट है उसे डिसेबल होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि अगर आप अपनी वीडियो खुद देख रहे हो तो आपका CTR हाई हो जाएगा, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। काफ़ी लोगों ने ये गलती की है तो इस वजह से उनका दोस्तों जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल हो चुका है, क्योंकि एक बार में दोस्तों एडसेंस अकाउंट डिसेबल नहीं होता, पहली बार वार्निंग आती है कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपका जो एडसेंस अकाउंट वो डिसेबल हो जाएगा, पर दोस्तों बताते नहीं है कि आपने गलती क्या की है, और लोगों को दोस्तों पता नहीं होता कि वो गलती क्या कर रहे हैं और वो दोस्तों उस गलती को बार बार करते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों वो उन्हें पता ही नहीं होता कि अगर उन्होंने गलती की क्या है और ये वार्निंग एडसेंस की तरफ तो क्यों आ रही है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ इसी वजह से आती है कि काफ़ी लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता, वो अपनी वीडियो खुद प्ले करके देखते रहते हैं, अपने दोस्तों को दिखाते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को दिखाते हैं कि देखो मेरी वीडियो पर एड्स आने जो एड है वो दोस्तों आने शुरू हो गए हैं, अब मुझे पैसे मिलेंगे जी वो। तो काफ़ी लोग होते हैं वो इस बात से अनजान होते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो दोस्तों आपकी वीडियो पर CTR आई नहीं होगा और आपका एडसेंस अकाउंट जो है परमानेंटली वर्क करता रहेगा। तो दोस्तों अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है तो आप बिना टेंशन के अपनी वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी वीडियो के मोनेटाइजेशन को ऑन कर सकते हो, आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो CTR है वो हाई नहीं होना चाहिए, 10% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस 10% तक चलना चाहिए। 10% से दोस्तों कितना भी कम हो कोई टेंशन नहीं है, 10% से ऊपर जाएगा तो एडसेंस अकाउंट के डिसेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आप अपनी वीडियो पर मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हो और अपनी सारी वीडियो पर कर सकते हो। और दोस्तों दूसरा कंडीशन ये है कि आप अपना CTR कैसे चेक कर सकते हैं कि वो हाई है या फिर नॉर्मल है, और आप अपनी वीडियो खुद नहीं देख रहे हो फिर भी दोस्तों हाई आ रहा है तो कैसे आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, ये सब मैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं इसी में सब कुछ बताऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। तो दोस्तों जिन लोगों को और भी प्रॉब्लम है वो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।